सो हाय गाइस, मेरा नाम मीर और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करने जो मेरे बास्केटबॉल के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होने वाले, जो अपना अगले साल वर्ल्ड कप होगा बास्केटबॉल का, उसके इंडिया के क्वालिफायर्स होने वाले हैं। अब वो किसके साथ होंगे, कौन से तारीख को होंगे, वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा गाइस। तो यार चलो शुरुआत करते हैं। अगर बात करूँ हमारे मैचेस कभी होने वाले हैं, कितने तारीख को होने वाले हैं, तो हमारे वैसे 24 को होंगे, 25 को होंगे, 27 को होंगे, 28 को होंगे। तो 24 से लेके 28 तक हमारे चार मैचेस होने वाले हैं। बहुत मजा आएगा गाइस। अगर किसके साथ होने वाले, आपको एक पिक्चर भी आती होगी आप यार, हमारा पहला मैच होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है, फिर अगला मैच होने वाला है कोरिया के साथ, फिर अपना होने वाला है थर्ड मैच होने वाला है फिलीपींस के साथ, और फिर जो आखिरी मैच होगा फिर से होगा न्यूजीलैंड के साथ यार। और ये कैसा होगा ना, क्वालिफायर का सिस्टम कैसा होता है, अगर आपको मैं वो बताऊँ, इसमें होम एंड अवे होते हैं। जैसे मैंने देखा होगा न्यूजीलैंड के साथ हमारे दो मैचेस है, तो एक हमारा का एक होगा हमारा होम और एक हमारा होगा अवे। तो वैसे में और भी हमको दो मैचेस हमको खेलने होंगे यार, एक होगा कोरिया के साथ, एक होगा अपना फिलीपींस के साथ। पर वो जो अपना जो नेक्स्ट विंडो आगा विंड आएगा उसमें हम खेलेंगे। तो यार गाइस इतनी ये टीमें हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया का क्या, उससे पहले आपको बताओ ये कहां पे देख सकते हैं। एक को तो एक वेबसाइट थी, मुझे अभी नाम उसका याद नहीं आ रहा यार, बास्केटबॉल टीवी करके तो वेबसाइट थी, या फिर जो अपना यूट्यूब चैनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल एसोसिएशन ऐसा चैनल है, आपको स्क्रीनशॉट आ रहा होगा उसके तरफ से आप समझ सकते हो। तो वहां पर मैंने बहुत सारे मैच देखे, तो जितना मुझे अंदाजा आ रहा है, जितना मैं सर्च किया यार, अब तक जो अपना बास्केटबॉल इंडिया ने कुछ अपडेट किया नहीं यार। अभी मैं एक दो दिन पहले भी शूट कर रहा हूं वीडियो, बट अगर एडिट करते समय अगर मुझे कुछ मिल गया, अगर एडिट करते समय भी नहीं मिला ना, तो मेरा जो नीचे आप चेक करना, वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे आप चेक करना, वहाँ पे आपको मैं अपडेट कर दूंगा। या फिर अगर ब्रॉडकास्टिंग के बारे में अगर मुझे न्यूज़ मिली गई, तो आपको मैं अलग से शॉर्ट करके बता दूंगा यार। अभी मैंने सर्च किया बट मुझे कुछ ऐसी अपडेट आ नहीं रही है, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। पर जितना मेरा अंदाजा है, कोई तो एक बास्केटबॉल करके एक है टीवी, वो मैं जो मेरा कम्युनिटी होगा, या फिर जो इसका कमेंट सेक्शन होगा उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर जो उनका यूट्यूब चैनल फीबा का उसको आपको मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। तो चलो को सब्सक्राइब करो, जितना मुझे 90% श्योर है यार वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई, वैसे आप कहां पे देख लो, इसका मौचलम भी करेंगे, इसका मौचलम भी करने वाले यार। जैसे मैच होगा हम साथ में देखेंगे, आप अपना फोन पे देखो कहीं भी आप देखते हो, और मैं अपने कमेंट्री देने के जो इनपुट्स होते हैं वो देने की कोशिश करूंगा। तो या गाइस, अगर मैं बात करूं इंडिया का क्या स्क्वाड है, तो इंडिया के जो दो मेन प्लेयर है, अमजोत गिल जो कि आपको पता है वो बहुत अच्छे प्लेयर है यार, वो भी नहीं है, और जो लरीला करके प्लेयर है, इनके बारे में जानता नहीं, बट जो मैंने कमेंट सेशन में बहुत सारे देखे कमेंट, तो ये बहुत ऐसे बड़े प्लेयर मेरे को लगते हैं, तो उनका भी नाम वहाँ पे था नहीं लिस्ट के अंदर, तो वो नहीं है। बाकी मैं जो बाकी सब बाकी जो प्लेयर आपको दिख रहे होंगे, जो मैंने लास्ट मैच इनके देखे थे, जो अपना अगस्त में हुआ था यार, एशिया कप का क्वालिफायर्स हुआ था, वो मैंने देखे थे, फिलीपींस के साथ था और एक सऊदी अरब के साथ था, तो वो वाला मैंने देखा था यार, तो वो भी मेरे लास्ट की जो मैंने मैचेस है। पर मज़ा आता है, अभी मज़ा आता है बास्केटबॉल देखने में, भी अलग मज़ा है। पिछले बार मैंने देखे था यार, हमने हार के देखे, लास्ट वाला मैच हमने सिर्फ विन किया था यार, तो वो हमारी दिक्कत वाली बात है। लास्ट वाला आई थिंक हमने लॉस्ट किया था, जब हमें रिजल्ट वो अगस्त महीने में हुए थे, 5-6 महीने पहले हुए थे यार, मतलब हमारा जो 2021 के जो अगस्त है उसमें मैचेस हुए थे, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। बट हाँ, अभी आपको यहाँ पे उसके आ रहे होंगे इमेजेस, आपको सारे वो आ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही कुछ अगर स्क्वाड की बात करूँ, स्क्वाड की भी आपको मेरे तो आ चुके हो गया, तो यार एडिट में वो कर दूंगा। तो ये अपना स्क्वाड है। अभी मैं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ, तो न्यूजीलैंड की 27th रैंक है, कोरिया की 30 रैंक है, फिलीपींस की 33 रैंक है, तो रैंक उनकी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता तो यार इंडिया हरा पाएगा, मुश्किल होगा। देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, इंडिया इम्पॉसिबल कर सकता है, और इंडिया उसके लिए फेमस भी है, बट क्या इसमें इम्पॉसिबल होगा, 99% मुझे चांसेस आर वेरी लेस यार, बट होप करते हैं, लेस फिंगर्स क्रॉस हम साथ में करेंगे और फिर कुछ हो जाए चमत्कार, तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है नहीं यार, अगर वो अच्छा करे अपना बेस्ट देना यार, तो ही अच्छा होगा, अगर एक अच्छा मैच देखने मिले तो ही मेरे ख्याल से अच्छा होगा। तो अब यही कुछ चीज़ें हैं यार, अगर मैं हाँ जैसे मैंने आपको बता दिया कहा आप देख सकते हो, तो यही कुछ अपडेट है यार। अभी आपको जो भी इमेजेस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे यार इंस्टाग्राम के, जो बास्केटबॉल एसोसिएशन का लिंक है, वहाँ पर आपको जो ब्रॉडकास्टिंग है आपको वहाँ पे समझ में आएगा, उसका आपको लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो जाओ गाइस, उनको फॉलो करो, तो आपको वहाँ पे सारी अपडेट मिल जाएंगी। और जो फीबा का एक हफ्ता जो फीबा का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी आपको नीचे दे दूंगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखता है, अगर आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तब तक के लिए पीस आउट। और गाइस प्लीज़ जो भी अपने 24 तारीख से जो मैच होने वाले, प्लीज़ उसके लिए आ जाओ यार, हम वॉच अलोंग करेंगे साथ में और साथ में देखेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।